हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तब विजय हासिल नहीं होती थी तो आपस में वो मेल करते थे, उस मेल को भी संधि कहते थे। संधि का पारस्परिक अर्थ होता है मेल। और इस मेल से क्या होता है कि उनमें आपस में कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है, तो राजा महाराजों के भी विचारों में आदतों में परिवर्तन हो जाता था। इसी प्रकार से यहाँ ग्रामर में भी संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि ध्वनियों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, जबकि समास शब्दों का मेल होता है। ध्वनियों का मेल अर्थात वर्णों का मेल, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। अब देखिए, जब संधि के नियमों को तोड़कर हम उन्हें अलग कर देते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर उनकी पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे शब्द है अपना भानुदय, इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। महात्मा, उसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस आत्मा। उच्चारण, उसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। तो इस प्रकार संधि विच्छेद का मतलब अलग करना होता है और संधि का मतलब मेल करना होता है। अब देखिए, संधि और संयोग में क्या अंतर है। संधि और संयोग दोनों का अर्थ मेल है, लेकिन संयोग में अक्षर केवल मिल जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु संधि में नियमानुसार एक में या दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। संधि और संयोग दोनों स्थितियों में स्वर और व्यंजनों से मेल होता है। अब देखिए इसके उदाहरण, संयोग में पशु प्लस ता पशुता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, जबकि संधि में राम प्लस अवतार, इसका संधि होगी रामावतार, अर्थात यहाँ पर इसका परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार से संयोग में पीला प्लस पन पीलापन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि संधि में जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, यहाँ तय के स्थान पर न हो गया है, अर्थात परिवर्तन हो गया है, विकार हो गया है। तो इसी प्रकार से संधि और संयोग दोनों में यह अंतर होता है। अब देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इनमें स्वर और स्वर में ही विकार होता है, स्वर और स्वर में ही मेल होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके पांच प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। प्रथम आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब अ आ ई ई ऊ ऊ के बाद अगर पुनः अ आ ई ई ऊ ऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ ई ऊ हो जाते हैं, अर्थात उनका दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर अगर ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है स्वर, यहाँ पर भी ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है, लेकिन हमें उसका दीर्घ करना होता है, उसका दीर्घ करना होता है। जैसे पीत प्लस अंबर, पीत में तय में ए मिक्स है और यहाँ पर भी ए है, तो ए और ए मिलकर के क्या हो गया यहाँ पे आ पीतांबर। हिम प्लस आलय, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, इसका भी संधि क्या हो गई हिमालय। तथा प्लस अपी, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, तो अब इसका क्या हो गया तथापि। प्रतीक्षा प्लस आलय, दोनों जगह यहाँ पर आ और आ है, तब भी उसकी संधि क्या होगी प्रतीक्षालय, अर्थात हमें यहाँ पर दीर्घ करना है। इसी प्रकार से ये ए में ई में और ऊ में होता है। इसी प्रकार से ई का देखिए उदाहरण, गिरी प्लस इंद्र, गिरी में छोटी ई और यहाँ पे भी ई, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई हो गई गिरिंद्र। मुनि प्लस ईश, यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ही मुनीश, यहाँ पर बड़ी हो गई। शची प्लस इंद्र शचिंद्र, रजनी प्लस ईस रजनीश, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर बड़ी, तो यहाँ पर भी बड़ी ई हो गई, अर्थात हमें लास्ट में बड़ी ई करनी है, दीर्घ करना है। इसी प्रकार से ऊ में
यहाँ पर छोटा ऊ गुरु में, उपदेश में छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, गुरु उपदेश बड़ा ऊ हो गया। यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, लेकिन फिर भी क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अम्बूरमी वधू प्लस उत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ, लेकिन फिर भी क्या हो गया, बड़ा ऊ वधूत्सव। भू प्लस ऊर्ध्व, यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर बड़ा ऊ है, लेकिन फिर यहाँ पर भी राष्ट्र में भी क्या होगा, बड़ा ऊ भूर्ध्व। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दीर्घ करना होता है। इसकी पहचान के लिए जब समान स्वर पास पास आए तो दीर्घ संधि कहलाती है, अर्थात इनमें दोनों साइड एक से ही स्वर आने चाहिए, चाहे छोटी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे ए और आ हो, इस प्रकार से समान स्वर ही आने चाहिए। दीर्घ और लघु हो सकते हैं, लेकिन वो समान ही होने चाहिए। ए आ हो सकता है, ई ई हो सकती है, ऊ ऊ हो सकता है, उसमें ए आ ई ई ऊ होते हैं। संधि करते समय उनका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। तो यह है हमारी हो गई दीर्घ संधि। अब देखिए आगे आती है गुण संधि। गुण में क्या होता है कि उसमें ए और आ के बाद अगर ई और बड़ी ई आए तो उसका ए हो जाता है, ए और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है, और ए और आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अब देखिए इन्हें भी हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। ए और आ प्लस ई प्लस ई, ई और ई बराबर ए, ए हो जाता है, अर्थात ऊपर एक मात्रा लग जाती है। नर प्लस इंद्र, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, ए और ई मिलकर के क्या हो गया, ए नरेंद्र। अब देखिए इसे हम संधि वर्ण विच्छेद से समझेंगे। तो न प्लस र, र में क्या हो मिक्स था, ए प्लस इंद्र। अब इस ई को और इस ए को मिलाकर के क्या हो गया, ए। अब इसको पूरा लिखेंगे तो न रे, रे में ए मिक्स हो गया, न रेंद्र, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब ए और ई मिक्स हो जाता है तो ए हो जाता है। आ और ई पर भी वो ही प्रक्रिया चलती है, ए और आ, ई और ई, बड़ी ई। महा प्लस इंद्र का हो गया महेंद्र, दिन प्लस ईश का हो गया दिनेश, रमा प्लस ईश का हो गया रमेश। यहाँ पर ए और आ में से कोई सा भी वर्ण स्वर आ सकता है, और यहाँ पर से ई और बड़ी ई में से कोई सा भी स्वर आ सकता है, लेकिन हमें लास्ट में क्या करना है, ए करना है, ऊपर एक मात्रा लगानी है। उसी प्रकार से ए और आ, उ और उ मिलाकर के ओ बनता है। अब देखिए चंद्र प्लस उदय, तो चंद्र प्लस उदय का ए और उ मिलकर के क्या बन गया, ओ, चंद्रोदय। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी। ऊपर हमें एक ही मात्रा लगानी है, अर्थात ये ओ की मात्रा हो चाहे ए की मात्रा हो। यहाँ पर ए और आ में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, यहाँ पे ओ और बड़े ओ में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, लास्ट में हमें क्या करना है, ओ करना है। इसी प्रकार से इसका तीसरा नियम है ए और आ प्लस री, उसका क्या हो जाएगा, अर। देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। वर्ण विच्छेद से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए महा प्लस ऋषि में म प्लस है प्लस आ प्लस री प्लस शी, तो मैं में ए मिक्स होता है, तो मैं ए है और ए प्लस आ के स्थान पर क्या हो गया, आ और री के स्थान पर अर हो गया। आ और री के स्थान पर हमने क्या कर दिया, अर, और शी वैसे के वैसे रह गया। जब हम ये मिला करके लिखेंगे इसको तो क्या हो गया, ये महर्षि, मैं है अर शी महर्षि। तो इसी प्रकार से वर्ण विच्छेद के द्वारा हम इन्हें आराम से समझ सकते हैं। इसकी पहचान का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम इनके तीन कॉलम बना लेते हैं स्वर के। ए आ को ए कॉलम में रखते हैं, बी को बी में ई ई ऊ ऊ और री को रखते हैं, और सी कॉलम में ए आई ओ औ को रखते हैं। तो देखिए गुण संधि के पहचान के लिए क्या होता है कि हमें दोनों संधि विच्छेद में ए प्लस बी में से ही लेना होता है। ए कॉलम में ए और बी में बी, ए प्लस बी होता है और मिलाकर के क्या हो जाता है, वो ए ए बन जाता है, ओ बन जाता है और अर बन जाता है। इसमें ऊपर एक मात्रा होती है, चाहे वो ए की हो चाहे ओ की हो। जैसे नरेश ऊपर एक मात्रा, महोत्सव ऊपर एक मात्रा, और दोनों संधि विच्छेद में ए प्लस बी कॉलम में से ही शब्द आते हैं। वृद्धि संधि,
वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब ए आ के बाद ए आई हो तो उसका आई हो जाता है और ए आ के बाद औ ओ हो तो उसका औ हो जाता है। ओ और औ के मारने से औ हो जाता है, अर्थात इनका भी दीर्घ हो जाता है, ए के स्थान पर आई और ओ के स्थान पर औ हो जाता है। चाहे वहां पर ए और आई पहले से ही हो, वहां पर ओ और औ पहले से ही हो, लेकिन उसका लास्ट में क्या होगा, औ होगा। अब देखिए इसके उदाहरण कि ए आ प्लस ए आई इक्वल टू आई, अर्थात दो मात्रा होती है, एक और एक मिलकर के एक एक हो जाता है, ऊपर कितनी मात्रा आ गई, दो मात्रा। मत प्लस एक, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आई है, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, आई मत एक। आ और ए मिलकर के भी आई हो गया, सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। इसी प्रकार से ए और आ प्लस ओ और औ मिलकर के औ हो जाते हैं, यहाँ पर भी दो मात्रा ही ऊपर होती है, वो नीचे से शुरू होती है। परम प्लस ओजस्वी, ए और ओ मिलकर के परमोजस्वी। वन प्लस औषध वनौषध। गंगा प्लस ओग गंगोग। महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो देखिए यहाँ पर ए और आ कोई सा भी स्वर हो सकता है, यहाँ पर ओ और औ में से कोई सा भी स्वर हो सकता है, लेकिन लास्ट में हमको क्या करना है, औ करना है, इसको औ में चेंज करना है। इसकी पहचान के लिए देखिए, वृद्धि संधि की पहचान के लिए ए प्लस सी, अर्थात ए और सी कॉलम में से ही आता है, इन दोनों कॉलम में से आता है, ए कॉलम में से और सी कॉलम में से। ए और औ होता है तथा ऊपर कितनी मात्रा होती है, इसमें हमेशा दो मात्रा होती है, जब संधि वाले शब्द होते हैं तो ऊपर दो मात्रा होती है, यहाँ पर दो मात्रा होती है, ये इसकी पहचान का तरीका है। नेक्स्ट आती है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई और ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ और ऊ के स्थान पर व हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है। इसमें ई प्लस भिन्न स्वर यह होता है, ई और ई को मिलाकर के ये हो जाता है, ई के स्थान पर ये हो जाता है। प्रति प्लस अंग, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर ए है, तो ई प्लस ए मिलाकर के क्या बन गया, आ बन गया, यह बन गया। तो देखिए प्रत्यंग शब्द है, अब यहाँ पर प्रति में प्र प्लस त, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, ई, फिर अंग, ई के स्थान पर अपने क्या कर दिया, ये। जब स्वर हट जाता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है, अर्थात त आधा रह गया, तो प्र त य और य में ये मिक्स हो गया तो प्रत्यंग इस प्रकार से शब्द बन जाता है। नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। इति प्लस आदि इत्यादि। सखी प्लस आगमन सख्यागमन। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। नी प्लस ऊन न्यून। ये वाला शब्द इसमें मिक्स हो जाता है और ई के स्थान पर य हो जाता है, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। नदी प्लस ऊर्मी नद्यूर्मी। प्रति प्लस एक प्रत्येक। देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य। और इसमें क्या होता है कि जो भी ई है उसके स्थान पर यह हो जाता है, ये वाला ऐसे कैसे मिक्स होकर के ये शब्द बन जाता है। वर्ण विच्छेद से अगर हम समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आता है। उ और उ प्लस भिन्न स्वर, उ के स्थान पर वह हो जाता है। अनु प्लस आय, अनु प्लस आय बराबर अन्वय। देखिए अन्वय का संधि विच्छेद करते हैं, अ प्लस ने, ने में कौन सी मात्रा है, उ प्लस आय एज इट इज। ए और ने, उ के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, वह कर दिया, तो क्या हो गया, अन्वय। इसको जब हम मिलाकर के लिखेंगे तो अन्वय। सु प्लस आगत का हो जाएगा स्वागत। वधु प्लस आगमन का हो जाएगा वध्वागमन। अनु प्लस इत का हो जाएगा अन्वित। अनु प्लस एषण का हो जाएगा अन्वेषण। अनु प्लस एषक का हो जाएगा अन्वेषक। पितृ प्लस अनुमति, ये वाला री वाला शब्द है कि री के स्थान पर रह हो जाता है, तो पितृ में कौन सी है, री की मात्रा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पितृनुमति या पितृनुमति, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मातृ प्लस आनंद मात्रानंद। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। वर्ण विच्छेद से समझेंगे तो माँ प्लस त प्लस री प्लस इच्छा, री के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया, र। तो अब जब इसको मिला करके लिखेंगे तो कैसे बनेगा, मा त र और र में ई की मात्रा मिक्स, मातृच्छा। त और र मिला करके त्र त्रिशूल बन जाता है।
अब देखिए यण संधि की पहचान के लिए, यण संधि की पहचान के लिए बी प्लस भिन्न स्वर अर्थात बी वाले कॉलम में से ही आता है, बी वाले कॉलम में से बी प्लस भिन्न स्वर कोई सा भी स्वर हो सकता है। और य व र तथा संधि के शब्द में य व र के पहले आधा अक्षर आता है। तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी शब्द उठा करके देखिए, य व र के पहले आधा अक्षर आता है, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह यण संधि है। लास्ट में आती है आयादी संधि। आयादी संधि में यदि ए ऐ ओ औ के बाद इनसे अलग कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इन्हें उदाहरणों से समझेंगे कि ए प्लस भिन्न स्वर, ए के स्थान पर क्या हो गया, आय हो गया। जैसे ने में एक ही मात्रा मिक्स है, ने प्लस अन तो क्या हो गया, नयन। संधि विच्छेद करके देखेंगे तो ना प्लस ए प्लस अन एक स्थान पर आय हो गया, तो इसको मिक्स करेंगे तो नयन, नयन। शे प्लस अन शयन, आई के स्थान पर आय हो जाता है तो गई प्लस अक, आई के स्थान पर आय हो गया तो गायक। नई प्लस इका नायिका, ओ प्लस भिन्न स्वर, ओ का क्या हो गया अव। भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, औ प्लस भिन्न स्वर आव, पौ प्लस अक पावक, भौ प्लस उक भावुक, औ के स्थान पर आव हो गया। इसकी पहचान के लिए देखिए आयादी संधि में सी प्लस भिन्न स्वर होता है अर्थात सी वाले कॉलम में से ही आता है। सी वाला कॉलम जैसे ए आई ओ औ, ये प्रथम पद में हमेशा इसमें प्रथम पद में ए आई ओ औ में से आता है तथा शब्द तीन अक्षर का होता है। इसमें शब्द कितने अक्षर का होता है, तीन अक्षर का होता है, इसमें ऊपर ए आई ओ औ की मात्रा नहीं होती है, यह पहचान के लिए है। इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए कि व्यंजन वर्ण के आगे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आ जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश, तो देखिए जगत प्लस ईश तो इस व्यंजन में विकार आएगा। व्यंजन वर्ण के आगे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में विकार हो जाता है तो जगत प्लस ई से जगत का क्या हो जाएगा, जगदीश। ई की मात्रा इसमें मिक्स हो गई तो तय के स्थान पर क्या हो गया, द। इसके भी नियम होते हैं। इसका नियम नंबर पहला है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है अर्थात तीन पांच हो जाता है। वर्ग होते हैं, इन वर्गों को इन्हीं लाइन में तीसरे नंबर में चेंज कर देता है। जैसे कै ख ग घ ण, तो कै ख ग यानी एक पाई छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। कै का हमें क्या कर देना है, ग कर देना है। चै का हमें क्या कर देना है, ज कर देना है। एक वर्ड छोड़ करके दूसरे वर्ग को इसमें चेंज कर देना है। टै का हमें क्या कर देना है, ड कर देना है। तै का क्या कर देना है, द कर देना है। और पै का क्या कर देना है, बे कर देना है। तो ये कब होगा कि जब यहाँ पर या तो तृतीय वर्ण हो या यरलव हो या कोई स्वर हो, तृतीय या चतुर्थ वर्ण, यरलव या कोई स्वर हो, तब जाकर के ये वाला वर्ण क्या हो जाता है, ये वाला व्यंजन तीसरे वर्ण व्यंजन में, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। अब देखिए दिक प्लस गज, तो यहाँ पर कै के स्थान पर हमें क्या करना है, कै ख ग, ग कर देना है, तो दिग्गज। अच प्लस अंत, तो च का ही हमें तीसरा वर्ण करना है, च छ ज, तो ज कर देना, अजंत। षट प्लस आनन, टै के स्थान पर क्या कर देना है, ड कर देना है, षडानन। सत प्लस वाणी, तो तय के स्थान पर क्या करना है, द करना है, और पै के स्थान पर क्या करना है, बे करना है। इसमें देखिए कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है और इनमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन कोई भी आ सकता है। तो ये हमें तीसरे वर्ण में चेंज करना होता है। कब करना होता है कि यहाँ पर या तो तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या यारह लेवल में से आए या कोई स्वर आए, तब जाकर के इसी वर्ण का हमें तीसरे वर्ण में चेंज कर देना है। ये कैच टैप को तीसरे वर्ण में चेंज कर देना है। तो ये तो होता है तीसरे पद पर आगे बढ़ना। अब नियम नंबर दो में क्या होता है कि हमें पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, तो दोनों नियम मिलाकर के क्या हो जाएगा, तीन पांच करना। अब देखिए वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क ख ग घ ण,
तो ण को कै को हमको किसमें चेंज करना है, ण में। चै को किसमें चेंज करना है, या में। टै को किसमें करना है, ण में। तै को ने में और पै को मै में चेंज करना होता है। तो देखिए प्राक प्लस मुख, लेकिन ये कब करना होता है कि यहाँ पर या तो मैं होना चाहिए या ना होना चाहिए, तभी जाकर के हम इन वर्णों को पांचवें वर्ण में चेंज करते हैं। प्राक प्लस मुख, तो प्राक के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रांग मुख। षट प्लस मास, क्षण मास, टै के स्थान पर नय हो गया, ये आधा टै है और ये भी आधा णय है। उत प्लस नयन, तो तय के स्थान पर नय कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर मैं और ने है प्रथम वर्ण, और यहाँ पर कौन सा है, कै चै तै त में से कोई सा भी हो सकता है, तो पांचवे वर्ण में चेंज करता है। तो दोनों वर्णों को मिलाकर, दोनों नियमों को मिलाकर क्या हो गया, तीन पांच करना। ये यलन करने का आसान तरीका है कि हमें तीन पांच करना है। अब देखिए नियम नंबर तीन में क्या होता है कि तय संबंधी नियम होते हैं। अगर तय के बाद में चय और छ आता है, जय और झ आता है, टय और ठ आता है, डे और ढ आता है, और ले आता है, तो हमें क्या करना है कि जो उसका प्रथम है चय और छ में से चय कर देना है, जय और झ में से झ कर देना है, टय और ठ में से ड कर तय कर देना है, डे और ढ में से ड कर देना है, और ले में से ले कर देना है। तो ये नियम हमें याद करने होंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब उत प्लस चारण है, उत चारण, तो तय के स्थान पर हमें क्या कर देना है, चय कर देना है। तय के बाद में अगर चय और छ आता है, तय के बाद में अगर चय और छ आता है यहाँ पर, तो हमें इसी को ही यहाँ पर लिखना होता है। अगर यहाँ पर चय है और छ है, दोनों में से कोई भी होता, तो ये वर्ण भी चेंज हो जाएगा। तो उत प्लस चारण में क्या हो गया, उच्चारण। इसी प्रकार से सत प्लस जन, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है, जय और झ में से जय है, अगर झ होता तब भी जय ही होता, और जय है तब भी यहाँ पर जय हो जाएगा। तो तय के बाद अगर ये शब्द आते हैं तो उनमें से जिस पर टिक लगा हुआ है वो शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। सत प्लस जन का हो जाएगा सज्जन। उत प्लस डयन, तो देखिए डे और ढ में से कौन सा है यहाँ पर, डे, तो यहाँ पर भी डे ही हो जाएगा, उड्डयन। उत प्लस लास, ले और ले में से यहाँ पर ले है, तो इस तय के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, उल्लास। वृहत प्लस टीका, तो टै और ठे में से अगर यहाँ पर टै है तो यहाँ पर भी टै ही होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर चै था और यहाँ पर छ है, लेकिन यहाँ पर तय के स्थान पर क्या होगा, चै ही होगा। मैंने बोला ना चै और छ में से जो बड़ा है चै, उसी को ही अपन को यहाँ पर रखना है। तो जगत प्लस छाया में जगत छाया। तो इस प्रकार से इन नियमों के अकॉर्डिंग हम इनको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो इस तय के स्थान पर वो ही शब्द आ जाता है, लेकिन बड़ा वाला होता है, छह आ गया तब भी हमें चय ही करना है, जय और छह में से अगर जय आ जाता है तब भी हमें जय ही करना होता, टै और ठै में से ठै आ जाता तब भी हमें टै ही करना होता, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो भी हमें एज इट इज ऐसे लिखने होते हैं। अब इसी का नियम दूसरा है कि तय के बाद अगर श होता है तो क्या होता है, तय के स्थान पर चय हो जाता है और श के स्थान पर छ हो जाता है। देखिए तय के बाद में श है, तो इस श के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छ, और इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। तो देखिए उत प्लस श्वास का क्या हो गया, उच्छ्वास। तत् प्लस शिव का क्या हो गया, तत्शिव। तो ये व्यंजन संधि के नियम हमें याद करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें कर सकते हैं। तीसरा नियम है तय के बाद है हो, तो क्या होता है, जो तय है इसके स्थान पर द हो जाता है और है के स्थान पर ध हो जाता है। तो देखिए उत प्लस हार, उद्धार। तय के स्थान पर क्या हो गया, द, और है के स्थान पर क्या हो गया, ध, तो उद्धार। पत प्लस अति का पद्धति। तो इस प्रकार से इन नियमों के अकॉर्डिंग हम इन्हें कर सकते हैं। अब इसका आगे आता है नियम नंबर चार, तो इसमें ये तय के नियम थे, आगे आते हैं मैं संबंधी नियम। कै फर्स्ट वाला, इसमें मैं के बाद स्पर्श व्यंजन में से, यानी कैसे मैं तक हो, और मैं उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे सम प्लस जीवनी।
तो या तो हम ऊपर अनुस्वार लगा सकते हैं या उसी शब्द का पांचवा वर्ण लिख सकते हैं। तो च छ ज झ या ये वाला यह भी लिख सकते हैं हम, और इस प्रकार से अनुस्वार भी लगा सकते हैं। सम प्लस ध्या, तो देखिए ध त थ द ध न, या तो न भी लिख सकते हैं या ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं मैं को हटा करके। सम प्लस घर्ष, क ख ग घ ण, तो ये वाला ण भी लिख सकते हैं और ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं। सम प्लस पूर्ण, प फ ब भ म, तो मैं भी लिख सकते हैं और ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते। अब सेकंड नियम है इसका कि सम के बाद यदि यर लव और शश सह अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में से अगर कोई भी रहता है तो मैं का अनुस्वार ही रहेगा, उसका पंचम वर्ण नहीं आएगा अगर ये शब्द यहाँ पर रहते हैं तो। तो देखिए सम के बाद में यह तो संयोग ऊपर अनुस्वार हो गया, सम के बाद वहन है वह है तो संवहन, सम प्लस रक्षा संरक्षा, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हित संहित। तो देखिए अगर इनमें से कोई शब्द इधर रहता है यहाँ पर प्रथम वर्ण में, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में यर लव और शश सह में से कोई शब्द रहता है और यहाँ पर सम होता है तो उसमें अनुस्वार ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तीसरा नियम है कि सम उपसर्ग के बाद अगर मैं आता है यहाँ पर, इस वाले वर्ण पे मैं आता है तो मैं का द्वित्व हो जाता है यानी दो मैं हो जाते हैं। सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मोहन सम्मोहन, यानी एज इट इज मिलाकर के हम इसको लिख सकते हैं। देखिए अब आगे आता है नियम नंबर पांच। नियम नंबर पांच में क्या होता है कि स का शय में परिवर्तन हो जाता है, ए और आ को छोड़कर के अगर कोई अन्य स्वर होता है तो शय का शय में परिवर्तन हो जाता है, जैसे वी प्लस साध विषाद, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति। तो अगर ए और आ को, यहाँ पर ए और आ को छोड़ करके कोई व्यंजन आता है और यहाँ पर स आता है तो क्या हो जाता है कि इस स के स्थान पर षटकोण वाला श हो जाता है। तो वी प्लस शाद, यहाँ पर ए और आ नहीं आना चाहिए लेकिन ई ई उ कोई सा भी स्वर आ जाए तब जाकर के ये वाला स शय में चेंज हो जाता है। नियम नंबर छह, नियम नंबर छह में क्या होता है कि न का ण में परिवर्तन हो जाता है, कब हो जाता है कि अगर री र और शय के बाद में अगर न आता है तो ण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए री प्लस न ऋण, तो री के बाद में न आया तो ऋण हो गया, र के बाद में न आया तो ण हो गया, शय के बाद में न आया तो शय हो गया षटकोण वाला, तो विष्णु। तो इस प्रकार से ये वाला न को ण में चेंज कर दिया, इस प्रकार से न को ण में चेंज हो जाता है अगर यहाँ पे री र और श आता है तो ये चेंज हो जाता है। लेकिन कई इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे राम प्लस आयन, इसका हो जाएगा रामायण। तो इस प्रकार से कई शब्द इसमें अपवाद स्वरूप भी कहे जाते हैं। नियम नंबर सात में देखिए, ये छह संबंधी नियम है, इसमें क्या होता है कि पहले पद के अंत में अगर स्वर तथा आगे के पद का पहला वर्ण छह हो तो छह में चेंज हो जाता है। यहाँ का अंत में स्वर होना चाहिए, कोई सा भी स्वर, ए हो ऊ हो, है ना, कोई सा भी स्वर हो, और यहाँ पर अगर छह हो तो क्या हो जाता है, आधा छह और मिक्स हो जाता है, यानी यहाँ पर हलंत नहीं होना चाहिए, इसमें स्वर मिक्स होना चाहिए। अगर हलंत होता है तो नहीं होगा, अगर हलंत नहीं होता है तो समझो उसमें स्वर मिक्स है, तो स्वर मिक्स है तो ये वाला छह के अंतर्गत आधा छह और जुड़ जाता है इस प्रकार से। तो छत्र प्लस छाया का हो जाएगा छत्र छाया, अनु प्लस छेद का हो जाएगा अनुच्छेद, तरु प्लस छाया का हो जाएगा तरुच्छाया, स्व प्लस छंद का हो जाएगा स्वच्छंद, क्योंकि ये वाले शब्दों में सब में स्वर मिक्स है, इसमें हलंत नहीं है, अगर हलंत होता तो क्या होता कि इसमें चय मिक्स नहीं होता। तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि। अब अपनी स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, नेक्स्ट आती है विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है, ह की ध्वनि निकलती है और पीछे क्या लगता है, दो मात्रा लगती है, दो बिंदी लगती है, इसको विसर्ग बोलते हैं इस प्रकार से। तो विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर
विसर्ग में जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहा प्लस अनुकूल, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, तो देखिए मनोनुकूल। इसके भी कई नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत हम इसे समझते हैं कि इसका नियम नंबर 1 होता है कि विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, लेकिन कब होता है कि यहाँ पर द्वितीय पद में या तो तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्णों या अंतस्थ व्यंजन या र लव हो या है हो, तो ये वाला विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। अब देखिए वया प्लस वृद्ध, तो वह किसका है, यर लव में से है, अंतस्थ व्यंजन में से है, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, वयो वृद्ध। अधा गति तृतीय वर्ण है, यहाँ पर गति में क ख ग तृतीय वर्ण है, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, अधो गति। यहाँ पर ज है, च छ ज तृतीय वर्ण, तो सरह प्लस ज सरोज। यहाँ पर त थ द ध चतुर्थ वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यश धर यशो धर, तो तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन यर लव होना चाहिए या है होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये वाला विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। नियम नंबर 2 देखिए कि विसर्ग का रे में परिवर्तन कैसे होता है। ए और आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आता है यहाँ पर, और यहाँ पर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या कोई भी स्वर हो, तब जाकर के वो रे में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर कोई भी ए आनी है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है और कोई सी भी मात्रा हो सकती है, लेकिन ए और आ नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला विसर्ग रे में चेंज हो गया। तो निराशा, निर्मल, दुर्घटना, तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, कोई भी स्वर अगर होता है और यहाँ पर ए और आ नहीं होता है, तो ये वाला विसर्ग रे में चेंज हो जाता है। इन नियमों को हम याद करेंगे तभी जाकर के हमें समझ आना चाहिए। 3rd नंबर पे आती है विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है कि पीछे 2 बिंदी लगती है और है की ध्वनि निकलती है, विसर्ग का मतलब हा। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहा प्लस अनुकूल, इसमें बोलने पर है की ध्वनि निकलती है, ऊपर 2 बिंदी, पीछे 2 बिंदी लगती है, तो इसका मीन हो गया मनोनुकूल, ये हो गया इसकी संधि। नियम नंबर 1 देखिए कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कब होता है कि इसके भी नियम होते हैं कि ए प्लस विसर्ग, यहाँ पर ए स्वर होना चाहिए और उसके बाद में विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होना चाहिए या कोई अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए या ह होना चाहिए, तभी जाकर के ये वाला विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। अब देखिए वया प्लस वृद्ध, यहाँ पर वह है तो कौन सा वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है, यहाँ पर ए स्वर है और ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। वया प्लस वृद्ध, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, वयो वृद्ध, तो यह वह के स्थान जैसे यहाँ पर ओ में चेंज हो गया। तो अपन को ये नियम याद करने हैं कि अगर ए और विसर्ग के पश्चात ये चीजों में से कोई चीज यहाँ होती है तो हमारा ये विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। अधा प्लस गति, अधो गति, सरह प्लस ज सरोज, यश प्लस धर यशोधर, तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या है होता है, तो ये विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। नियम नंबर 2 में देखिए कि विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है, कब हो जाता है कि इसमें ए और आ स्वर नहीं आने चाहिए, इसमें ओनली ए स्वर आना चाहिए, लेकिन इनमें ए और आ स्वर को छोड़कर के कोई सा भी स्वर होना चाहिए। फिर यहाँ पर वही तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होना चाहिए, वही अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए, वही है होना चाहिए। तो देखिए नी प्लस आशा, तो यहाँ पर कोई भी ए और आ नहीं है, ई की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है और यहाँ पर कोई सा भी स्वर हो, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तब जाकर के यहाँ पर रे मिक्स हो जाता है, इसके स्थान पर रे हो जाता है विसर्ग के स्थान पर, तो क्या हो गया निराशा। नी प्लस मल, तो देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ण है, यहाँ पर
नी प्लस मल निर्मल अंतस्थ व्यंजन है, दू प्लस घटना दुर्घटना। तो इस प्रकार से ये वाला इसमें चेंज हो जाता है अगर यहाँ पर ए और आ को छोड़ करके कोई सा भी स्वर आता है। तो नियम नंबर 3 में देखिए क्या होता है कि नियम नंबर 3 में अपन लेते हैं घोष व्यंजन क ख च छ ट ठ त थ प फ, तो ऊपर वाले को छोड़ करके और नीचे वाले को छोड़ करके तीनों में परिवर्तन हो जाता है। च और छ में श मिक्स हो जाता है, ट और ठ में श मिक्स हो जाता है, त और थ में स मिक्स हो जाता है। तो देखिए नी प्लस चल तो इसमें से है, चय में से, तो इसमें कौन सा शय मिक्स होगा, शय शंकर वाला। नी प्लस टुर टे और ठे में से है तो इसमें से षटकोण वाला मिक्स होगा। नी प्लस तेज तो इसमें से ते और थे में से यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा मिक्स होगा, से सड़क वाला। तो ये वाले तीनों के तीनों अगर इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो ये इसमें जुड़ जाते हैं। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग हट जाता है और शय जुड़ जाते हैं, शय शंकर वाला, शय षटकोण वाला और शय सड़क वाला। जब ये व्यंजन आते हैं तो अगर ये व्यंजन आते हैं तो नहीं जुड़ता है। नियम नंबर 4 देखिए कि शय स स होने पर परे का वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ण को रिपीट हो जाता है, ये वर्ण ही इस विसर्ग के स्थान पर आ जाता है। दू प्लस शासन तो इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला शय ही आ जाएगा अगर ये तीनों शय यहाँ पर है तो। दुशासन नी प्लस संकोच इस शय के स्थान पर ये वाला शय इस स्थान पर आ जाएगा विसर्ग के स्थान पर, तो निसंकोच। नी प्लस संग निसंग ये वाले अगर व्यंजन होते हैं यहाँ पर तो ये ही रिपीट यहाँ पर हो जाते हैं और विसर्ग हट जाता है। तो इस प्रकार से ये नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 5 में देखिए कि कै खे पैफ है, यहाँ पर नहीं आए थे ये, अब इनको यहाँ पर लेते हैं तो उसके स्थान पर ये वाला शय हो जाता है। नी प्लस प्राण में क्या हो जाएगा, शय षटकोण वाला आधा शय जुड़ जाएगा। नी प्लस काम में निष्काम, नी प्लस फल में निष्फल, दू प्लस खंड में दुष्खंड। क्या ख पैफ अगर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर विसर्ग होता है तो विसर्ग के स्थान पर श षटकोण वाला हो जाता है। तो बच्चों ये हो गई आपकी विसर्ग संधि। अब आपने क्या समझा, इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य है, जब तक आप इसे कर नहीं देखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। संधि ऐसी चीज है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगी। तो देखिए इन शब्दों को आप जरूर करके देखिए और आगे संधि विच्छेद करके और संधि का नाम भी इन पे लिखिए, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगी। तो देखिए ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, इसमें है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। अगर आप इनको करोगे तो आपको संधि अच्छे से समझ आ जाएगी, सुनने से ये समझ नहीं आती है, प्रैक्टिस से समझ आती है। तो पहला शब्द है नरेश, दूसरा है महात्मा, तीसरा है संलग्न, चौथा है लोकोक्ति, वागीश, सच्चरित्र, विद्यार्थी, सदैव, तट्टिका, नद्युद्ग, प्रत्यक्ष, मात्राज्ञा, लघुत्तर, दुस्साहस, निर्धारण, यशोधर, निष्कपट, नयन, सप्तर्षि, साध्विच्छा। इन शब्दों की आपको संधि विच्छेद करना है और आगे संधि का नाम भी लिखना है। ये सारे नियम आपको दिए हुए हैं, इन्हीं के अंतर्गत ये सारी संधियां आती है। अब नेक्स्ट आता है कि इन शब्दों में संधि विच्छेद किया हुआ है लेकिन इनकी आपको संधि करनी है और संधि का नाम भी बताना है। तो देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए व संधि का नाम बताइए। परम प्लस अणु, पो प्लस अन, हिम प्लस अंशु, सु प्लस आगत, इति प्लस आदि, सर्व प्लस उत्तम, घन प्लस आनंद, सती प्लस ईश, किम प्लस चित, चित प्लस माया, उत प्लस लंघन, भगवत प्लस गीता, चतुहु प्लस पद, इसमें विसर्ग लगा हुआ है, नी प्लस छिद्र, पत प्लस हती, परी प्लस नाम, देवी प्लस आराधना, ने प्लस अन, लोक प्लस उपचार, लंका प्लस ईश। इन शब्दों की आपको संधि करनी है और आगे संधि का नाम भी लिखना है, फिर खुद इनको एक बार चेक करोगे, इनको समझोगे तो आपको संधि अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू।